अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हसन और सहम स्कूल जा चुके हैं और बशान जो है वो 10th क्लास के पेपर दिए हैं और 15 सितंबर को उनका रिजल्ट जो है वो आउट होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हसन एक सैंडविच खा चुके थे, एक जो है सहम खा चुके और बाकी वो छोड़ चुके थे। तो मैंने कहा ज़ाया होगा इसलिए मैं खा लेती हूँ, वरना उमूमन मैं नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ चाय और एक बॉयल्ड एग लेती हूँ। लेकिन जब कुछ बच जाता है बच्चों से तो ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं उसे खा ही लेती हूँ, बट मुझसे भी खाया नहीं गया, फिर एक रह गया था। फ्रेंड्स, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और मेरी इनकरेज होती हैं। आई होप आप ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे और वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी शॉर्ट सी डेली रूटीन की वीडियो शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया है, इसके बाद जो है मुझे सफाई करनी है, फिर उसके बाद कुछ दोपहर के लिए पकाना है और पूरी जो मेरी रूटीन है वो मैं शॉर्ट शॉर्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सुहामे की होमवर्क की रूटीन है और उसके साथ साथ रात के खाने की रूटीन है। आज जो है वो बारिश भी हुई थी सुबह में, कल भी बारिश हुई थी। कराची का मौसम जो है ना बहुत प्यारा हो रहा है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक सैंडविच मैंने छोड़ दिया था, बट जो एग है वो मैंने पूरा फिनिश कर दिया था। और चाय तो सुबह में मस्ट होती है, चाय के बगैर तो सर में दर्द हो जाता है, आपको पता है। 11 या 12 बजे के दरमियान में मुझे अगर भूख लगती है तो फिर मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, लेकिन सुबह में मैं सिर्फ चाय और उसके साथ जो है एक बॉयल्ड एग लेती हूँ। तो डेली रूटीन की जो वीडियो होती है वो अगर हम डिटेल से डालेंगे तो ना बहुत ज़्यादा उसके घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें टाइम होगा। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं ताकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकूँ। और आपको पता है कि काम जो होता है वो तो करना है, बच्चे भी संभालना है, घर का काम भी ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ जो है हम यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, तो मैं तो सबकी वीडियो जो है ना फुल वॉच करती हूँ। तो आई होप आप भी मेरी फुल वॉच किया कीजिए। और यह है मेरा छोटा सा मेकअप रूम और यहाँ पर कि मैंने सफाई पूरी कर ली है। और दूसरे रूम में जो है अभी हसन, सॉरी हूरब, और हूरब के पापा जो है वो सो रहे हैं। तो जब हूरब उठ जाएंगे उसके बाद से जो है मैं जल्दी से हूरब का डायपर चेंज करवा के उसे सरक खिला के और फिर उस वाले कमरे की सफाई करूंगी। तो ये जो है यहाँ पर मेरे दोनों बेटे सोते हैं, बशार और हसन भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखती हूँ कोई आ चुका है। और ये जो है ये मैं गोश्त जो है बॉईल कर किया हुआ रखा हुआ था, तो यहाँ पर जो है वो मैंने गोश्त को भून लिया था क्योंकि दोपहर का काम जो होता है वो। हाय सुहेमा, क्या कर रही हैं आप? राइटिंग कर रही हूँ। अच्छा, राइटिंग कर रही हैं। कौन से चैप्टर की राइटिंग कर रही हैं? माय टू एंजल्स। अच्छा, ये है सुहेमा की प्रेजेंटेशन, आप देख सकते हैं। पहले सैंडविच खा लें ना, ठंडा हो गए। तो सुहेमा और हसन जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर पहले 2 घंटे कायदा पढ़ाया जाता है, नाजरा मतलब पढ़ाया जाता है, उसके बाद जो है 4 घंटे स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हसन तो अपने पापा के साथ वॉक के लिए चला गया है, वो बहुत मुश्किल से अपना होमवर्क करता है। अब इंशाल्लाह वापस आएगा तो फिर मैं उसे होमवर्क करवा दूँगी। और सुहेमा यहाँ पर अपना जो है सैंडविच वगैरह खा रहे, उसके बाद ये दुआएँ पढ़ेंगी। नए बुक मुझे दे दें। चले सुनाए सुबह सुबह की दुआ। सुबह की दुआ। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका हमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। सूरज निकलने की दुआ। सूरज निकले तो ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि लजी अक़ालना यौमना हाज़ा व लम युहलिकना बिज़ुनूबिना। शाबाश, वेरी गुड। शाम की दुआ। शाम की दुआ।
اللهم بك أمسينا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ठीक है, माशाल्लाह आपको याद है, लेकिन थोड़ी सी शाम की ये दुआ जो है ना, अल्लाहुम्म बिके अमसैना, यहाँ से आप याद कर लीजिए. ठीक है, तो ये थी सुहैमा की रूटीन होमवर्क की. और अब हसन आएंगे तो इंशाल्लाह हम हसन पे करवा लेंगे, और इसके बाद जो रूटीन है वो मेरे साथ शेयर करती हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम से अंधेरा छा गया है, और इस मौसम में, ऐसे मौसम में मतलब अस्तगफार पढ़ना चाहिए. ये तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाम हो चुकी है और बारिश बिल्कुल होने वाली है. आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत तेज़ अंधेरा था पहले, उसके बाद एकदम से बारिश शुरू हो गई, 4:15 बजे का टाइम हो रहा है. हैप्पी रेनी डे टू ऑल माई फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, जब बारिश जो है वो थम गई थी, तो उसके बाद मैं अम्मी की तरफ चली गई थी. अम्मी के घर पास में है और छोटी सिस्टर का घर भी पास में है. अब्बू को गांव जाना था, तो मैंने अब्बू से मिलने जाना था, इसलिए मैं वहां चली गई और वहां पर 10-15 मिनट बैठी. उसके बाद मैं छोटी सिस्टर के घर चली गई, उन्होंने सेटिंग चेंज की थी और वो मुझे कह रही थी आके देख लो, और साथ में उन्होंने पेंट भी किया हुआ था सारे घर में, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था. सेटिंग भी उन्होंने चेंज की, बहुत अच्छी लग रही थी. तो वहाँ भी मैं आधा घंटा बैठी और फिर घर आ गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ के. तो यहाँ पर जो है हसन के पापा जो है, हसन ने शायद पापा से कहा था कि टिक्का ले आए, तो वो यहाँ पर जो है कुछ सामान वगैरह ले आए थे खाने के लिए, तो वो मैं सब यहाँ पर निकाल रही हूँ. रायता है, सलाद वगैरह है, और साथ में जो है चिकन टिक्का था, और चिकन बोटी थी, और बीफ बोटी थी, और पराठे वगैरह साथ में वो लेकर आए थे. तो यहाँ पर मैं खाना निकाल चुकी थी. अच्छा जी, और बारिश अभी भी इस टाइम भी हल्की हल्की हो रही थी. मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया कराची का, मतलब कि वो जो गर्मी थी 1 और 2 सितंबर को वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और बस 2 दिन गर्मी थी सितंबर में, उसके बाद जो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया. तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी शॉर्ट सी डेली रूटीन. आई होप आपको पसंद आई होगी. इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपके साथ में, आपके लिए मैं मज़ीद वीडियोज़ जो है वो लाती रहूँगी. इसी तरह मुझे इनक्रेज कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में भी हमें याद रखिए. अच्छा जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.